देख रहे हैं भाई साहब, गांव हो तो ऐसा हो ना तो ना हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो सुबह के लगभग 9 बज गया है और मैं आज लेट से जगा हुआ है, क्योंकि कल हालत ख़राब हो गई थी। ट्रैक करते करते ऊपर से नीचे आते थे। मैं अभी फ़िलहाल मैं गौरीकुंड में हूँ और पीछे मेरे आप देख ही रहे होंगे ये नदी, इसे मंदाकिनी रिवर कहते हैं। और ये बिल्कुल केदारनाथ के ऊपर से ये नदी आती है और यहाँ तक आती है। गौरीकुंड यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर तो बताते हैं, वैसे ट्रैक ज़्यादा लंबा है। तो अभी चक्कर ये है कि मैं ये देखो कपड़े वगैरह लाया हूँ, गौरीकुंड में नहाते हैं फिर से। और मैं प्लान ये है कि यहाँ से मेरा सेकेंड केदार जो है ना मधुमहेश्वर, वहाँ तक का ट्रैक करना आज मेरे को स्टार्ट करना है। यहाँ पे चलते हैं, अभी फटाफट नहाते हैं और निकलते हैं मधुमहेश्वर के लिए। तो यही है गौरीकुंड, यहाँ से नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैं अपने पाप भी धोता हूँ यहाँ पर, और उधर फीमेल का है, इधर मेल का है, बाकी नहाता हूँ यहाँ। हाँ, तो टाइम आ गया है केदारनाथ धाम को बारे बोलने का, यहाँ से बिता लेते हैं और नए केदार के लिए निकलते हैं, केदार नंबर 2 जो कि मधुमहेश्वर है। तो यहाँ से पहले मैं निकलूँगा सोनप्रयाग के लिए निकलता हूँ, और उसके आगे की कहानी मैं आगे आगे चल के बताता हूँ आपको। एक और बात, और भाई लोग से विदा लेंगे वहाँ पे सोनप्रयाग में। देखो हेलो, ये भाई राकेश है, मैंने बताना भूल गया, राकेश है और ये आशीष भाई है। हेलो। तो मैं भी कभी इनके साथ, बाकी कभी ट्रिप करना हो तो मैं बताऊँगा आगे कभी। बाकी मज़ा है इन लोगों के साथ, यहाँ पर अकेला में पड़ जाता यार, लेकिन ठीक है, काफ़ी मस्ती की, मज़ा आया, 2 से 3 हुए। तो ठीक है, मिलते हैं आपको रात। और भाई साहब ये देख के ज़रा चेक करें, उधर से अपनी मंदाकिनी रिवर है, ये सोन गंगा है, यहाँ दोनों का संगम हो रहा है। एकदम ब्लू पानी है इनका और बिल्कुल वाइट वाला पानी उसका है, दोनों मिक्स होकर बिल्कुल अलग सा कलर बनेगा। आगे जाके देखते हैं कौन सा कलर बनता है, लेकिन आप देखो क्या मस्त नज़ारा है वहाँ पर ना, ब्लू और वाइट का, ब्लू और वाइट का संगम साफ दिख रहा है। और मस्त है ये नदी, यहाँ से आ रही इधर सोन गंगा, मतलब गंगा का ही रूप होगा ये, और अपना ये तो है ही, मैं बहुत पहले से आपको दिखा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल ग्रीन पानी है, ब्लू। सर दर्द 2 मिनट में ये जगह देखें, सीतापुर नाम है इस जगह का। यहाँ से समझ, यहाँ से मैं बस मिलेगी गुप्तकाशी के लिए, और नीचे नदी और ऊपर सिटी, विलेज कह सकते हैं इसे। ये है सीतापुर का बस स्टैंड, कितना सुंदर लग रहा है ना, देखें इधर पाइन ट्री, इधर भी और बीच में ये सर्कल करके लग बना रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और दूर दूर ऊपर तक पहाड़ी। Ah, no. Para mí, no. Ya, 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 ya
हाँ जी, तो रांची विलेज आ गए, राह लेते हैं पहले। हाँ जी भाई, तो रांची विलेज पहुंच गए। यहाँ का माहौल तो बिल्कुल विलेज जैसा है, वाइब देखो यार, बिल्कुल विलेज ही है भाई। जो स्टेट्स वाले जो खेती होती ना, इधर भी हैं छोटे छोटे घर हैं, लेकिन कंक्रीट के, जो पुराने ज़माने के थे ना, ऐसे वाले घर थे। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ ऐसे वाले घर दिखाएंगे आपको। अभी सोच रहे हैं इधर रहने का या फिर आगे ट्रैक स्टार्ट करने का, देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करते हैं अभी। देख रहे हैं भाई साहब, गाँव हो तो ऐसा हो, ना तो ना हो, इसे बोलते हैं रांची विलेज। और यहाँ से 2 किलोमीटर ट्रैक बचा हुआ है, 2 किलोमीटर का, जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होएगा। और उसके बाद हमें एक और विलेज है, गोंडाक, गोंडाक है ना, गोंडाक करके, जो भी वो स्क्रीन पे डाल दूंगा मैं, शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। वहाँ पहुँच के रात में स्टे उधर ही करते, डिसाइड कर लिया हमने। बाकी आप देख लो क्या ब्यूटीफुल है। अभी इस गांव में उतरे हुए मेरे को 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, और आई फेल इन लव विद दिस विलेज मैन। सच में ऐसा लग रहा था कि यही विलेज है, इधर ही रहने का। देखो पीछे बैकग्राउंड आपको दिख ही रहा होगा यार, यही चीज़ था कि जो मैं केदारनाथ ट्रैक पे मिस कर रहा था। लेकिन नो डाउट मंदिर बहुत ब्यूटीफुल है वहाँ का, केदारनाथ का, लेकिन ट्रैक उतना ही ख़राब है क्योंकि घोड़े खच्चर चलते रहते हैं उस पर। आप अगर देखे होंगे, गए होंगे, तो पता ही होगा कितने घोड़े खच्चर पिट्ठू वाले चलते रहते हैं। वैसे इस ट्रैक पे आपको एक भी घोड़े खच्चर नहीं मिलेंगे। अभी वैसे ट्रैक स्टार्ट नहीं हुआ, ये रोड है, तो समवेयर उधर कहीं हमें जाना है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। और ट्रैक स्टार्ट होते ही वहाँ से 5 किलोमीटर गोंडा करके जगह है, वहाँ स्टे करते हैं, वहाँ भी विलेज है। आपको नज़ारे दिखाते जाते भाई, अल्टीमेट दिल खुश हो गया भाई, जिस चीज़ के लिए आया था ना, ट्रैक के लिए, वो पूरा होने जा रहा है। हर हर महादेव। तो ट्रैक स्टार्ट हो गया यहाँ से, देखो श्री मध महेश्वर पैदल मार्ग, और ये जाता है रास्ता सीधा नीचे की तरफ, और ये अपना मार्ग स्टार्ट हो गया है। चलते हैं महादेव का नाम लेके, स्टार्ट करते ट्रैक। हर हर महादेव। काफ़ी सारे जगह का नाम लिखा हुआ है, लेकिन हमें सबसे बॉटम पे है ना गोंडार, यहाँ जाना है, 4.2 किलोमीटर्स है। और ये रास्ता उन्होंने, किसी ने लोकल ने बोला यहाँ से कि 2 घंटा लगेगा 4 किलोमीटर करने में। 4 किलोमीटर करने में 2 घंटा तो नहीं लगना चाहिए, 1.5 घंटा लगना चाहिए। देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं, सनसेट से पहले पहुंच जाए तो मच बेटर है। और ज़रा व्यू देखिए आप, क्या ख़तरनाक सनसेट हो रहा है ना उधर पहाड़ के पीछे। आपको सूरज तो नहीं दिखेगा, लेकिन बादल है बिल्कुल, जो लाल लाल बादल है ना होराइजन, वो दिख रहा है ऊपर तक। माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल है यार। हर हर महादेव, हमेशा जीत मिलती रहे। बिल्कुल सही बात कही इसने, ऑब्वियस है हम जो है देव भूमि में हैं, तो हर जगह देव ही हैं, देव ही देव हैं। इस पहाड़ में, इस नदी में, इस पेड़ में, इस हवा में, हर जगह देव ही देव हैं, इसीलिए तो देव भूमि कहा गया। कुछ दिख रहा है क्या हमें? तो बस फ्लैश लाइट में दिख रहा है, वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है। रात के देखो घड़ी 6:30 बजे, और लेकिन अंधेरा बहुत तक रहा है। वहाँ लाइट दिख रही होगी, वहाँ शायद विलेज है, जिस विलेज तक हम जाना चाह रहे हैं। रास्ता तो ठीक है, मज़ा आ रहा है, लेकिन दिन होता तो और भी मज़ा आता। ठीक है, हमारे साथ एक भाई भी हैं, इनको मॉर्निंग में मिलवाता हूँ आपसे, और चलते हैं इस विलेज में, नाइट स्टे करते वहाँ पर। फाइनली दोस्तों, 5 किलोमीटर का ट्रैक, 5 से 6 किलोमीटर होगा ट्रैक करने के बाद आ गए हैं गोंडार विलेज। यहाँ से स्टार्ट होता है विलेज, ऊपर भी है नीचे भी है। बहुत थक गया हूँ, अभी देखता हूँ कोई सा रूम लेके बुक करता हूँ, और रात में यहाँ स्टे करता हूँ, सुबह आपको इस गांव का टूर देता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पर। गाँव का नाम है गोंडार विलेज,
जो कि आपको पहले बता चुका हूँ, जो मधुमहेश्वर जी के ट्रैक पे ही एक विलेज आता है बीच में, आफ्टर 6 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग द ट्रैक। तो ये काइंड ऑफ हमें होटल मिला है, होटल नहीं कहते तो होम स्टे है ये। ये देखो दो बेड है और ये छोटा सा रूम है, छुटकू सा, जैसे गांव वाली वाइब है ना, गांव वाली चीज़ें वो है। ये हमें 400 रुपये का मिला है दोनों लोगों का, मतलब 200 पर हेड। और इधर आपका ये सब वॉशरूम है नहाने वहाने के लिए और बाथरूम है। और पास पास में एक मंदिर है, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, वो देखो बिल्कुल केदारनाथ जैसा ही मंदिर है। सुबह आपको दर्शन करवाता हूँ, अभी चलते हैं। आंटी बोली है ऊपर खाना खाने के आने के लिए, तो हो सकता है आंटी से मिल पाऊँ आपको, तो चलते खाना खाते हैं, आंटी से मिलवाते हैं आपको और फिर दिखाते हैं गांव वाला जो खाना होता है ना, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन जो गांव का होता है, ऑथेंटिक चीज़ें, उनसे रूबर करवाता हूँ आपकी। ताकत इतनी बची नहीं मैं बोल पाऊँ, चलते हैं खाना खाते हैं। गैस आप कम ही यूज करते ना? गैस भी कर कम ही कर दे, लोग बोलते ना ज्यादा चूल्हे पे बनाओ, चूल्हे पे ज्यादा अच्छा होता है। डाल सकते हैं के, देखो क्या बोलते थे दोबारा नाम बताना। शॉर्ट का लड्डू, शॉर्ट का लड्डू है, भाभी बनाई है भाई। और भाई लेके आए चंडीगढ़ से, सॉरी छत्तीसगढ़ से भाई, खतरनाक। अभी खा के देखता हूँ कैसा लगता है। सच में गर्म होता होगा ये, ठंडी के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, दम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यार। सोते हैं, लड्डू खाते हैं, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो गया सुबह के 6 बजे और मैं ये एक्टिंग कर रहा हूँ। पहले जग गया था मैं, नहा के फ्रेश हो गया हूँ मैं, अभी देखते हैं क्या करना है। गुड मॉर्निंग, दोबारा से बोल रहा हूँ और अभी तैयार होके निकल चुका हूँ। सामने आपको मंदिर दिखाया था रात में, वो सामने देख रहे हो आप मंदिर है, वो वहाँ पर, कहाँ पर, वहाँ पर, और नदी के किनारे चलते हैं। ये खीरा देख रहे हो कितना मोटा खीरा है भाई, वहाँ देखा था मैं, क्या नाम है, मिरिक में भाई, उससे भी खतरनाक खीरा है यार ये। मेरा हाथ देख लो और वो खीरा देख लो, समझ में आ जाए कितना मोटा है। और ये रास्ता हमें मंदिर तक ले जाएगा, पर भाई लेस खुल जा रहा है बार बार। लोगों ने फार्मिंग कर रखी है, करेले हैं और ये कद्दू मे बी, और कद्दू लगे भी है। हर हर महादेव। छोटे छोटे घर है यहाँ पर लोगों के, वाओ सामने की नदी। अरे मंदिर इधर है, मंदिर इधर है, पहले मंदिर चलते ना। देखो घर पे लोगों ने छप्पर पे वो लगा रखा है घास फूस, अभी गाय खिलाने के लिए है या घर बनाने के लिए पता नहीं। हाँ गाय खिलाने के लिए, भैंस को खिलाते हैं लोग यहाँ पर, देखो भैंस वगैरह भी है बहुत। अरे क्या है,
नहीं पहचानती? हाँ बोलती है, हाँ पहचानते हैं, ठीक है मजे करो। ये घर है भैंस वगैरह के लिए। हाँ बीन्स अभी भी लगे हैं, मस्त है लाइफ यहाँ की है ना। छोटे छोटे, वो सामने ऑरेंज का पेड़ है, ऑरेंज दिखाता हूँ आपको, एक नंबर। बहुत देर से मैं देख रहा था ऑरेंज ये बस में, लेकिन कभी सामने से मौका मिला नहीं दिखाने का। तो ये देखो ऑरेंज का पेड़ दिख रहा है क्या? ऑरेंज दिखा ना, कितने सारे ऑरेंज हैं। और सामने भी ऑरेंज का पेड़ है, और ये यही मंदिर है, सामने मंदिर है और ऑरेंज का पेड़, और यहाँ पर भी छोटा सा है मंदिर काइंड ऑफ। तो यहाँ महादेव और ऑरेंज का पेड़, यहाँ भी हर जगह। ये कुछ आंगनवाड़ी केंद्र है, और सामने स्कूल, और सामने मंदिर जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पर। और छुटकू सा मंदिर है, बिल्कुल केदारनाथ जैसा ही इसका स्ट्रक्चर इसका भी है। और सामने ऑरेंज और किला। हाँ अरे ये देखो, ये फ्रूट हमने रास्ते में देखा था ना, लेकिन यहाँ पर अलग नज़ारे हैं, बिल्कुल सामने से दिख रहे हैं। बहुत किसी से पूछूंगा लोकल, शायद दिखाने वाला हो या ना हो, लेकिन दिखने में तो अच्छा लग रहा है। और हम इस रास्ते से मंदिर जा रहे हैं। ऑरेंज जितना देखो कम है। हर हर महादेव। तो यहाँ पर महादेव के दर्शन हो गए हमें, और दिल प्रसन्न हो गया। सुबह सुबह पूजा करी हमने, और सामने नदी है, अभी नदी चलते हैं, नदी किनारे आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता आ गया, सुबह का ब्रेकफास्ट पराठा और चाय हमारा आ रहा है। ये देखो पराठा बिल्कुल देसी स्टाइल में है, और यहाँ का लोकेशन भी आप देख ही रहे हो, बिल्कुल ही गांव वाली वाइब है, गांव ही है ये वाइब, क्या गांव ही है। और यहाँ चुटकू सा कुत्ता, आ जा खाएगा ले, खा रहा है, खा ले। अजी तो टाइम आ गया इस गाँव को बाय बाय बोलने का, सामान वामान पैक कर लिया हमने, बस निकल ही रहे हैं, और मिलते हैं आपको ट्रैक वाले रास्ते पे।